हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंग्स माय पैशन। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं कि आपको शेयर कर रही हूँ मैंने किस तरह मेरे सेविंग ऑर्गेनाइजर से ज्वेलरी है मैं किस तरह ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेस की बात आती है। लेस देखिए मैं किस तरह पहले इस तरह से दो बॉक्सेस में रखती थी। मैंने सोचा कि चलो ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने एक बॉक्स लिया। एक्चुअली बैंगल बॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, तभी मेरे पास बैंगल के रेडीमेड बॉक्सेस है, तो मैंने उसमें बैंगल रख दिए और इस बॉक्स को मैंने लेस रखने के लिए यूज़ किया। तो मेरे पास जितने भी लेस हैं, मेरे पास बहुत सारे लेस इकट्ठा करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं DIYs बनाती रहती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो उन DIYs के लिए मैंने पास जो भी लेस थे, उन सारे लेस को मैं किस तरह रबड़ बैंड से सिक्योर करते हुए मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। किस तरह ऑर्गेनाइज कर रही हूँ आपको वीडियो में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कितनी तरह के लेसेस मेरे पास हैं। और मुझे कोई भी पुरानी लेस भी मिल जाती है तो मैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ, ताकि ये क्या होते हैं ना कि कोई भी अपन DIY बनाते हैं ना, तो अपने को नई लेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड पुराने लेस भी बहुत सारा काम अपने को हो जाता है। तो देखिए अभी मैं सारे जो भी मेरे पास लेस है उसको मैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके मैं बॉक्स में रख रही हूँ। अगर इस तरह से छोटे लेस होते जो मतलब घड़ी से नहीं रहते, तो उनको मैं इस तरह के रबर बैंड लगा के और लग रखती हूँ, ताकि ये सिक्योर भी रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। जैसे मेरे पास बहुत तरीके के लेस है, हर टाइप का मैंने लेस रखती हूँ और मुझे लेस कलेक्शन भी बहुत पसंद है। देख सकते हैं कितने सारे ये लेस मैं इकट्ठा कर चुकी हूँ, तो इन सारों के इसी तरह रबर बैंड लगा के मैं इसमें ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। ये वाले होते हैं, इनको छोटे गोटा पट्टी भी बोलते हैं, और ये ज़्यादा इधर राजस्थान में ज़्यादा मिलते हैं इस तरह के लेस। और ये रिबन जो है, सारे छोटे छोटे रिबन, इनको एक साइड में मैं यहाँ पे रखती हूँ, ताकि इसमें देख सकते हैं, देखिए दो बॉक्स का लेक एक बॉक्स में कितने अच्छे ऑर्गेनाइज हो गया। एंड ये देखिए इस तरह के पैचेस मेरे पास हैं, ये लहंगे के पैचेस थे, लेस के साथ मैंने पैचेस को हटा दिए थे। उस पैचेस को इस तरह के छोटे से बॉक्स में रखती हूँ, जो भी मेरे पास पैचेस हैं उनको इस तरह से रखती हूँ, ताकि इसमें क्या होता है कि अपने को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आती और जल्दी से ये चीज़ें मिल जाते हैं। देखिए इस तरह के मैंने लेस के छोटे से टुकड़े काटे थे, उसको भी मैं पैचेस की तरह यूज़ करती हूँ, तो फिर ये बॉक्स को भी मैं रख देती हूँ। और साथ में इस तरह के बाजूबंद की लेस जो होती है मैंने उसमें भी यहाँ पे रख दिया है। एंड ये है मेरे पास लटकन, कुछ लटकन जो होती है लटकन, देख सकते हैं सारे लटकन को मैं बॉक्स में रख लूँगी। और ये वाले ना मैं 20-20 रुपीज़ में मुझे मिल गया था लटकन्स, और जो ये पैचेस होते हैं तो इसको मैंने एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ये देखिए ये जो डोरी टाइप आती है ना, जो अपने ब्लाउजेस ड्रेसेस को लगाते हैं वो वाली डोरी है ये, तो उसको भी मैं बॉक्स में रखूँगी, अच्छे से इसको फोल्ड कर लेती हूँ, ताकि क्या होता है ना कि अपना अच्छे अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, चीज़ें जल्दी भी मिल जाती है और जो एरिया में आप उन चीज़ों को रखते हैं ना, वो एरिया भी नीट एंड क्लीन लगता है। एंड ये वाला लेस देखिए थोड़ा सा निकल चुका था, तो इसको मैंने ये वाला लेस एक्चुअली मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था सीविंग ऑर्गेनाइजर का, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड मेरे बॉक्स में ज़रूर जाके चेक करना एंड मेरे इंस्टा पे भी फॉलो करना, जो आपको नीचे लिंक मैं दे दूँगी, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एंड साथ ही में मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ भी ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, एक बार ज़रूर जाके मेरे चैनल को चेक कर लेना कि आपको जो वीडियोस पसंद है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बातों बातों में देखना अपने लेस का एक बॉक्स तैयार हो गया है। यहाँ पे मुझे मन चाहे लेस सब एकदम अच्छे से परफेक्ट दिखते हैं कि मेरे पास कौन से लेस हैं नहीं है। एंड बात करते हैं थ्रेड्स की, थ्रेड भी तो मैंने इसी तरह बॉक्स में रखा है कि जो पहले वाला लेस का बॉक्स था उसमें मैंने थ्रेड को ऑर्गेनाइज कर दिए। एक इस तरह ऑर्गेनाइज किया हूँ, देखिए एक खाली सा बॉक्स है, इसमें मेरे पास इस तरह की पुरानी चूड़ी जो होती है ना, जो ये डिस्कार्ड करते हैं, उन सारी चूड़ियों को मैंने रख दिया। यानी दो बॉक्सेस में मेरे लेस थे ना, तो एक बॉक्स मैंने थ्रेड का बना दिया एंड एक बॉक्स में मैंने रख दी मेरी पुरानी वगैरह जो भी चूड़ी है, जो भी आगे DIYs में काम आएगी ना फ्रेंड, तो इसलिए इनको मैंने भी एक बॉक्स में सिक्योर करके रख दिया। एंड बात करते हैं वूलन्स के लिए, मैंने इस तरह के स्क्वायर बॉक्स लिया है। एंड कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करते हो, कोई भी चीज़ आप काम करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा उसकी साफ़ सफाई भी कर लो, ताकि इससे क्या होता है मतलब अपने काम में भी छोटा सा काम अपना निकल जाता है। तो देखिए जो भी मेरे पास वूलन्स है उसको भी मैं इस तरह सिक्योर कर रही हूँ, इसमें भी इस तरह ऑर्गेनाइज करके रख दी हूँ। एंड साथ ही में मेरे पास है ना, देखिए इस तरह के यहाँ पे स्पेस को मैं जो है उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, तो इस तरह के मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें मैं रखूँगी नीडल्स वगैरह, जो भी मेरे पास नीडल्स पड़े, इस तरह के पेंसिल के नीड्स आते हैं ना,
जो लिड्स के बॉक्सेस आते हैं ना, तो उन बॉक्सेस में मैं रखती हूँ सीविंग नीडल्स और छोटे छोटे नीडल्स, एंड बड़े नीडल्स तो मैंने डायरेक्टली इसी बॉक्स में रख देती हूँ। एंड जो धागा लगा हुआ होता है उसको मैं क्या करती हूँ, इस तरह से थोड़ा पेपर ले लो और उस पर इसको इस तरह से स्टिच कर दो और यहाँ पे इसको थ्रेड लपेट दो, ताकि इधर उधर रखने से क्या होता है, अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो चुप जाते हैं। इस तरह रखने से बॉक्स में भी सिक्योरली होते हैं और धागे में भी जो उलझने होती है वो नहीं गिरेंगे। तो देखिए इस तरह के जो भी मेरे पास थ्रेड्स है उसको मैंने जो भी मेरे पास नीडल्स है उसको मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया। एंड ये बात आती है, ये छोटे से बॉबी पिंस बोलते हैं ना, छोटे से पिंस होते हैं, उनको भी मैंने इस तरह के कपड़े में रख दिया। एंड साथ ही में देखिए ये हो गया मेरा छोटा सा बॉक्स, और यहाँ पे रख देती हूँ मैं छोटा सा कटर। देखिए एंड बात करते हैं, ये मेरे पास जो भी जितने भी मूर्तियाँ हैं इसको मैंने एक बॉक्स में रखा था। इसी तरह मेरे पास दो बॉक्सेस हैं, ये वाला एक बॉक्स, ये वाला एक्चुअली मसाले के बॉक्सेस आते हैं ना, तो उन्हीं के बॉक्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड ये वाले बॉक्स में देख सकते हैं, इसमें भी जो मतलब वो डिस्कार्ड कर दिया हुआ बॉक्स है, तो इनको मैं अच्छे से इसको क्लीन करके इस तरह के जो भी है मतलब अलग अलग टाइप के सिक्योर करके रखूँगी। देखिए जो भी मेरे पास है उनको सारे चीज़ों को अलग अलग टाइप में जैसे भी है उसके एक अलग कैटेगरी में इनको डाल के रखनी है। एक्चुअली वाले जो मसाला बॉक्स है ना इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे इसमें जो बॉटल्स होते हैं ना स्प्रे पेंट की, स्प्रे की अपने बॉडी स्प्रे की बॉटल्स वगैरह, इनको भी इस्तेमाल करके आप एक छोटा सा इसका देख सकते हैं, मैंने वही पुराने प्लास्टिक कंटेनर्स होते ना छोटे छोटे कोई ढक्कन वगैरह लिप्स वगैरह, उनकी मदद लेके मैंने इसको यहाँ पे सिक्योर कर दिया। देख सकते हैं कितने नीट एंड टिडी लग रहे हैं, ऐसा लग भी नहीं रहा कि चलो इसका भी हमारा यूज़ हो गया है। एंड साथ ही में जो पैकेट्स में आते हैं ना, तो उनको थोड़ा पैकेट्स में ही मैंने रख दिया। एंड साथ ही में ये जो मिरर्स आते हैं ना, मिरर्स सारे मिरर्स मिला के मैंने एक अंदर डाल दिए। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह के बीच में ये देख सकते हैं मोतियाँ हैं, इसमें मेरे पास बहुत सारे ढेर सारी मोती है। मैं आपके से इसको तोरण भी बना के आपके साथ मैंने शेयर किया था, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। एंड ये हो गए मेरे जो भी मेरे पास पियोल्स मोती कुंदन वगैरह सारे उनके ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पे सिक्योर कर लिया। पहले मेरे पास इस तरह के दो बॉक्सेस थे, दो बॉक्सेस अभी भी हैं, तो इनमें मैं रखती हूँ कोई भी लाए डिस्कार्ड हुए धागे के रील और बॉबिन सेट सब मैं इसमें रखती हूँ ताकि ये सिक्योर रहे। तो मैंने रख दिया इसमें बॉबिन वगैरह। एंड देख सकते हैं ये वाला बॉक्स भी तैयार हो गया, इसमें रख दूंगी मैं इसको इस देख सकते हैं इस तरह से हमारे मेरे पास जो भी सीविंग ऑर्गेनाइज़र से देख सकते हैं। ये वाला तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ऑर्गेनाइज़र मैंने बैंगल्स से बनाया था, इसमें रख दी जो इमरजेंसी में काम आते हैं ना, जब स्टिच करते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कटर मेज़र टेप और नीडल्स की तो बहुत ज़रूरत होती है, इनको ऊपर ही रखना पड़ता है, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये हो गया मेरा लेस बॉक्स, ये होगी सारी मेरी मोतियाँ, और ये हो गया ऊपर ही मैं रखने वाली हूँ मशीन के पास, मेरे सिलाई मशीन के पास मैं इसको रखूँगी ताकि मुझे जल्दी से मिल जाए। और इसमें रखूँगी सारी मोतियाँ वगैरह जो भी मेरे पास है, कुंदन वगैरह के भी मैंने ऑर्गेनाइज बना लिया है। एंड साथ ही में उसके बाद मैं बना ली हूँ ये वाले उलेंस का, एंड ये वाले जो एक्स्ट्रा मतलब एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स होते हैं या सिल्क थ्रेड्स होते हैं उनका, और बॉबिन्स वगैरह भी मैं इसमें रख दूँ। ऐसे मेरे पास दो बॉक्सेस हैं, एंड साथ ही में ये उलेंस और नीडल्स और ये थोड़े से डेकोरेशन आइटम्स को भी मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। एंड मैं थ्रेड्स को भी मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, एंड थ्रेड का भी मेरा जो धागे के रील होते हैं, देखो ये वाला तो ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया था, एंड बहुत ही इजी है बनाना एंड बहुत ही यूज़फुल भी है इन ऑर्गेनाइज़र्स का। एंड थ्रेड बॉक्स को भी मैंने तैयार कर दिया, मेरे धागे वगैरह भी सारे परफेक्टली तैयार हो गए हैं। एंड साथ ही में देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा सा मैंने कॉटन बॉक्स बनाया था, जिसमें एक साइड सब ज्वेलरी वगैरह जो भी मेरे सिंगर का सामान है उसको रखा था। फिलहाल अभी तो मेरे पास कबोर्ड आ गया, मैं आपको जल्दी से वीडियो शेयर करूँगी। एंड इधर साइड मैं रख रही हूँ मेरा जो भी बचा हुआ सामान, जो भी सिलाई का सामान है मैं सब एक साइड रख देती हूँ। और ये जो भी सारा बॉक्स है ये किसी को दिखाई भी नहीं देगा, अपन सारे बॉक्सेस गंदे भी लगेंगे, तो एक बॉक्स में रख के मैंने इस तरह के बेड के नीचे रख दिया, तो किसी का कुछ दिखाई भी नहीं देगा एंड घर भी एकदम ऑर्गेनाइज भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे मशीन के पास देखते हैं मैंने किस तरह ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं तक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।